चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए क्या हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का कुछ क्वेश्चन जो कि स्टोन मेजनरी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपका पार्ट वन है, पार्ट टू अगले वीडियो में तुरंत जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लाइमस्टोन इज ए, तो लाइमस्टोन कौन सा रॉक का एग्जांपल है। तो लाइमस्टोन एग्जांपल है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का लाइमस्टोन एग्जांपल है। आइए बता देते हैं एग्जांपल कौन सा रॉक का क्या क्या एग्जांपल है, और ये एग्जाम्पल काफ़ी एग्जाम में। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो पहला है ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। दूसरा डोलेराइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पैगमेंटाइल, पोरीफाइल। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये सब टोटल है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कौन कौन सा एग्जांपल है इग्नियस रॉक का। आगे देखते हैं, आगे है सेडिमेंट्री रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन कौन सा होता है। तो वो आपका है ग्रेबल, दूसरा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कोल एंड लिग्नेनाइट एंड अदर। सॉरी फॉर साउंड के लिए। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या क्या है। क्वार्टजाइट है, मार्बल है, स्लेट है, फैलाइट है, एजिनियस, लेटराइट, इसमें काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए, दूसरा क्या है, मार्बल कॉन्टेंस मोस्टली, मार्बल कॉन्टेंस मोस्टली। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा लाइम, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, मिनरल कौन सा है। चलिए बताइए इसमें मिनरल कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ग्रेवल इज अ टाइप ऑफ, ग्रेवल कौन सा रॉक का टाइप है। अभी बताए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फोर्थ नंबर का आंसर है बी, सेडिमेंट्री रॉक, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें होता है लाइमस्टोन, ग्रेबल स्टोन, इसमें होता है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक हैविंग सिलिका एंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, रॉक हैविंग सिलिका आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिलिशियस रॉक, कौन सा रॉक होगा, सिलिशियस रॉक, जिसमें सिलिका क्या है, सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है रॉक का। तो उस आपका सही एग्जांपल हो जाएगा सिलिशियस रॉक का, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेन इज नोन एज, टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्लीवेज। देखिए एग्जाम में पूछा गया है इसरो में, आरपीएससी एससी 2011 एंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप याद कर सकते हैं इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज रिजेक्ट इफ़ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन, क्या बोल रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका है 15%, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसका 24 घंटा में, 24 आवर में वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का। इसमें क्या बोल रहा है, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन मोर देन 15% हो जाएगा तो स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन, 15%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टोन मेजर द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन, प्रेशर लाइन इज, तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन पैरेलल टू नेचुरल बेड, दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड, तीसरा इंक्लाइंड टू नेचुरल बेड एट 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन है इंक्लाइंड एट नेचुरल बेड एट 45 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड, जो प्रेशर लाइन है, जो
नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्या फोर स्टोन मोर्स स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, किसके निकालने के लिए मोर्स स्केल का यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर इसमें बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हार्डनेस निकालने के लिए मोर्स स्केल का यूज करते हैं स्टोन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो शुरुआत में आपको बता दिया थे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल कौन कौन सा रॉक का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसमें हो जाएगा आंसर कौन सा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन जनरली यूज फॉर रेलवे बैलेस्ट। रेलवे बैलेस्ट के लिए कौन सा स्टोन यूज करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है बैलेस्ट या ट्रैप बैलेस्ट, क्या बोलते हैं, टैलप, सॉरी बैलेस्ट नहीं, बेसाल्ट एंड ट्रैप बेसाल्ट। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गया, क्या होता है बेसाल्ट या ट्रैप बेसाल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। तो कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्डिंग स्टोन का, तो आप आंसर बताइए आंसर क्या होगा। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका होता है 2.7 लेते हैं। ठीक है, 2.7, तो आपका इसमें देख सकते हैं किसके किसके के रेंज में आ सकता है। तो इसमें ये आपका है 2.5 to 3.0 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट इज। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, इन ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका है यहाँ पे क्वार्ट्ज। ठीक है, आप जहाँ भी देखिएगा क्वार्ट्ज ही आंसर मारिएगा। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग हैमर इज यूज फॉर, स्पेलिंग हैमर किसके लिए यूज करते हैं, रफनेस ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन के लिए, या क्वेरिंग ऑफ अ स्टोन के लिए, या कैरिंग ऑफ अ स्टोन के लिए, या ऑल ऑफ द एबव के लिए। तो आप बताइए इसमें क्या करते हैं, इसका स्पेलिंग हैमर का यूज रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूल यूज फॉर ब्लास्टिंग प्रोसेस इन क्वेरिंग ऑफ अ स्टोन इज। तो चलिए बताइए, द टूल यूज करते हैं ब्लास्टिंग प्रोसेस में स्टोन के क्वेरिंग में, तो वो कौन सा टूल यूज करते हैं। तो आपको तो याद होगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जंपर भी यूज करते हैं, डिपर भी यूज करते हैं, और प्राइमिंग नीडल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, मार्बल। मार्बल कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है, आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिखा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज ए कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है। तो शुरुआत में बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर याद है तो आप बता सकते हैं। तो मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द स्टेटमेंट, क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सन एंड माइका। तो बताइए, बेसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक, क्या मेटामॉर्फिक रॉक है। दूसरा ऑप्शन है, दीज आर नो सेडिमेंटरी रॉक। तीसरा ऑप्शन है, ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक। या चौथा ऑप्शन है, क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको इतना क्वेश्चन बना है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हाँ मेरा स्टोन मेजनरी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल। ठीक है, क्वार्ट्ज माइका मिनरल।
एक और होता है फ्लेस्पर भी होता है, फ्लेस्पर, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज ग्रेनाइट होता है वो बिल्डिंग में, बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं करते हैं क्योंकि, चलो बताइए इसका आंसर क्या होता है। वो क्या वो कैन नॉट पॉलिश्ड, वो पॉलिश नहीं कर सकते हैं, या फिर फायर प्रूफ नहीं होता है, या कॉस्टली होता है, या लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। आइए क्वेश्चन LMRC में, LMRC का एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है LMRC का एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है यह कॉस्टली होता है, ठीक है ग्रेनाइट कॉस्टली होता है, करने वाला तो करता है लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन डैट एग्जिबिट हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, ये बताइए द स्टोन डैट एग्जिबिट हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, कौन सा होता है हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका होता है, कौन सा स्टोन का हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो आपका सही आंसर है जीनियस, ठीक है जीनियस के, जीनियस को ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हाइएस्ट। ठीक है तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स को क्या बोलते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बोलता है स्पेल, क्या बोलते हैं इसको, स्पेल SPELL। ठीक तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको LMRC में पूछा गया है ब्रिक, ब्रोकन ब्रिक और स्टोन चिप को। ठीक तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन, कितना से होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जब लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बता रहे थे उसमें आपको 2.7 आपको बताया था, 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है और वो उसमें था रेंज 2.5 to 3.0। ठीक है वहाँ से आप देख भी सकते हैं, चाहे यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 ही लेते हैं जनरली। ठीक अरे क्वेश्चन LMRC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है। वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम बताए थे पिछला पीछे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, कौन सा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है देखिए एक आप ये ग्रेनाइट बेसाल्ट मार्बल स्लेट ये सब काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको तो रट लीजिए एकदम पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइन इट्स कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सर बताइए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है रॉक का जो इट्स कैपेसिटी स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कैपेसिटी को मतलब स्टोर करने का क्षमता रखता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो आसानी है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। ठीक है पोरोसिटी इसका सही आंसर है, और जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि हाँ सर इतना क्वेश्चन बना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज नोन एज, केमिकली मार्बल इज नोन एज, चलिए मार्बल का, मार्बल कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है वो मैं केमिकली, ठीक है तो आपका है कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आसान क्वेश्चन, द टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी कॉमनली एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो चलिए बताइए द टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी, कौन सा टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी का यूज करते हैं जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए यूज करते हैं। तो बताइए अनकोर्स, तो पहला ऑप्शन है अनकोर्स रबल मेजनरी, दूसरा ऑप्शन है कोर्स रबल मेजनरी, तीसरा ऑप्शन है रैंडम रबल मेजनरी, एंड चौथा ऑप्शन है
ड्राई रबल मेजोनरी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, चलिए बताइए इसका कौन सा यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे यूज करते हैं कोर्स रबल मेजोनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं स्टोन को क्या फाउंड आउट करने के लिए, तो आपका यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पीईबी सब इंजीनियर में पूछा गया है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन पासिंग थ्रू ए वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस एंड विच एक्ट बाइंडर फॉर टू फेसेस इज टर्म एज। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है थ्रो स्टोन। किसके स्टोन? थ्रो स्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये भी सब इंजीनियर 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि निकाले हैं। तो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा 100 MPa होना चाहिए, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 5% होता है, ठीक। 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है फॉर गोल्ड बिल्डिंग स्टोन के लिए। और टफनेस इंडेक्स इज लाइज बिटवीन 13-19 होता है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर इज लेस देन 3%। जो वियर एंड टीयर होता है वो 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्डनेस नंबर इज ग्रेटर देन 17 होना चाहिए। हार्डनेस नंबर कितना होना चाहिए? 17 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। ये तो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सैंड स्टोन भी एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का, एंड लाइम स्टोन भी एग्जाम्पल है, और कोल भी एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिकली हाउ वुड कायोलिन इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर। अभी आया हुआ है ए के एग्जाम में, ठीक है, दोनों ऊपर वाला और एक सेम क्वेश्चन, ठीक। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेके आए हुए इसमें, जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आर्जेलिशियस रॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक इन विच आर्गिल या क्ले प्रीडोमिनेट आर कॉल्ड। जो क्ले होता है किस कौन सा रॉक में पाया जाता है, तो ऑप्शन है आर्जेलिशियस रॉक, इग्नियस रॉक, कैलिकेरियस रॉक या नॉन ऑफ तीज। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्जेलियस रॉक, ठीक, आर्जेलियस रॉक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो चलते हैं, ऑप्शन है ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट या डी ऑप्शन है नॉन ऑफ तीज। तो आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल प्लूटोनिक रॉक का, तो वो है आपका ग्रेनाइट। क्या एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट। और एक क्वेश्चन केपीएससी ए ही के एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ समझने का चक्कर है, ठीक है। अगर वो समझ लेते हैं तो सभी एग्जाम आसान ही लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क। चलिए बताइए, जो स्टोन यूज करने हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, वो क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए या
हैवी होना चाहिए। सेम क्वेश्चन केपीएससी एई में पूछा गया है और एसीएफ में पूछा गया है आरपीएससी में, ठीक है। तो चलते हैं, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए स्टोन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोन मेजनरी लेट्स द स्टोन बी सो प्लेस डेट दियर लेयर आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो बताइए वो क्या हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर दोनों हो सकता है, बोथ एंड ए। पहला है कि स्टोन स्लिप्ट कर सकता है इजीली, एंड स्टोन अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर के द्वारा अफेक्ट भी कर सकता है स्टोन, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। अभी हम तुरंत बताए थे जो क्या क्या फैक्टर होता है जो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए अच्छा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 100 MPa, 100 N/mm², ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ स्टोन ऑफ वेरियस साइज एंड नेचुरल रॉक इज नोन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही बोल दिया वेरियस साइज, तो हम लोग क्वेरिंग के बोलते हैं, जहाँ से पहले रॉक लाया जाता है तोड़कर ब्लास्टिंग करके, वहाँ से उसके बाद ड्रेसिंग हो जाता है, तो ड्रेसिंग करेंगे तो उसका साइज मेंटेन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेसिंग। और एग्जाम्पल एक पूछा गया है केपीएससी जेई के एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिफाइनाइट एंड रेगुलर शेप टू क्वेरी स्टोन इज कॉल्ड। चलिए देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या बोला, रेगुलर शेप एंड डिफाइनाइट शेप, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रेसिंग। और जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो नेचुरल रॉक से लाया जाता है वेरियस साइज का, छोटा मोटा मोटा का, उसको क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से तोड़ा जा रहा है ना नेचुरल रॉक से, ठीक है, इसको क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक। थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। चलिए बताइए कंसिडरेबल डेप्थ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक ही बोलते हैं उसको, जो कूलिंग ऑफ मैग्मा होता है कंसिडरेबल डेप्थ पे, वो सॉलिड ग्रुप में वहीं पर आ जाता है, इसके प्लूटोनिक रॉक उसको बोलते हैं। वो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ठीक है, इग्नियस रॉक का तीनों एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक रॉक, हेपाबेसाइट रॉक एंड वोल्केनिक रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द टाइप ऑफ ए सैंड स्टोन। देखिए सेम क्वेश्चन आया, ऊपर में भी सेम क्वेश्चन था कि सैंड स्टोन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रॉक जनरली यूज फॉर रूफिंग। रूफिंग के लिए कौन सा रॉक यूज करते हैं, चलिए बताइए रूफिंग के लिए कौन सा रॉक यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्लेट। किस कौन सा रॉक यूज करते हैं, स्लेट। और एक क्वेश्चन MPSC और KPSC जेई में पूछा गया 2012। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ए सिंगल, सिंगल क्या है, तो क्या है, डिकम्पोज लेटराइट, ठीक है, सिंगल क्या है, डिकम्पोज लेटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज नॉट कैल्सिक्रियस। चलिए बताइए कौन कैलिक्रियस का रॉक का एग्जांपल नहीं है। चलिए ऑप्शन ऑप्शन है आपका लाइम स्टोन, लेटराइट, चौक या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट, ठीक है, ये दोनों तो है कैलिक्रियस रॉक का एग्जांपल। तो चलते हैं, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन और वीडियो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों।